गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम नाइन्थ क्लास साइंस का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, इस चैप्टर का थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली बच्चों आज जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या रहेगा, वो रहेगा बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि कोई भी मैटर है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होती है। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो बच्चों आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि कोई भी मैटर है, ठीक है, हमने मान लिया कोई भी मैटर, जैसे मैंने आयरन नेल ले ली, ठीक है, मैंने एक चोक ले लिया, मैंने एक रबर बैंड ले लिया, तो इस टाइप से कोई भी मैटर है तो उस मैटर के पार्टिकल्स, क्योंकि लास्ट हमने डिस्कस किया था कि कोई भी मैटर है वो किससे बना होगा, पार्टिकल्स से बना होगा, तो उस मैटर के जो पार्टिकल्स है उनकी विशेषताएं क्या क्या होंगी, क्या क्या उनकी खासियत होगी, ये हमें आज जो है पढ़ना है। तो बच्चों इसकी तीन कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगी, यानी कि तीन विशेषताएं होंगी, उसमें से फर्स्ट क्या है बच्चों कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन, इसका मतलब क्या बच्चों, बिटवीन, बीच में, बिटवीन दैम। तो फर्स्ट विशेषता क्या है बच्चों, उनकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, खाली जगह होती है। सेकंड क्या आएगा बच्चों, सेकंड इज कि पार्टिकल्स जो होंगे बच्चों मैटर के वो कॉन्टिन्यूअसली क्या करेंगे, मूव करेंगे, कॉन्टिन्यूअसली क्या करते रहेंगे, मूव करते रहेंगे, वो एक जगह पे फिक्स या स्टेशनरी नहीं होंगे, ठीक है। सो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग, ठीक है बच्चों। तो हमने यहां से क्या सीखा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग, उनके बीच में एक स्पेस होगा, खाली जगह होगी, और वो फिक्स नहीं होंगे, स्टेशनरी नहीं होंगे, मतलब रेस्ट पे नहीं होते हैं, वो लगातार घूमते रहते हैं। और उसके बाद थर्ड और लास्ट जो बच्चों इनकी कैरेक्टरिस्टिक है, जो विशेषता है वो क्या है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो बच्चों मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे। तो बच्चों ये तीन जो है बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं किसकी, मैटर के पार्टिकल्स की, यानी कि जो मैटर जिन पार्टिकल्स से बना है उन पार्टिकल्स की तीन विशेषताएं होंगी। पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो विशेषता है, वो क्या है कि इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होगा। सेकंड क्या है कि ये जो पार्टिकल्स होंगे कॉन्टिन्यूअसली क्या करेंगे, मूव करेंगे। और थर्ड क्या है कि ये जो पार्टिकल्स होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। तो बच्चों अब हम इन्हीं तीनों कैरेक्टरिस्टिक को, इन्हीं तीन विशेषताओं को एक्सपेरिमेंट्स की हेल्प से थोड़ा सा डीप स्टडी करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं लास्ट वाली दोनों को एक बार रब कर देता हूं और फर्स्ट को हम करने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों फर्स्ट में हमने क्या देखा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। अब मैं यहां पर एक मैटर कंसिडर करता हूं, ठीक है बच्चों, मैंने कंसिडर क्या कर लिया, वॉटर। वॉटर के बारे में सब जानते हैं कि वॉटर क्या होता है, वॉटर का केमिकल फॉर्मूला होता है H2O, ठीक है। तो बच्चों मैंने क्या किया, अब पानी है, वॉटर है, ऐसे ही तो डाल नहीं सकते, कहीं किसी ना किसी बर्तन में डालना पड़ेगा।
तो बच्चों मैंने क्या किया, मैंने एक सिलेंड्रिकल वेसल लिया, ठीक है, इस टाइप से मैंने एक सिलेंड्रिकल फ्लास्क लिया है, आप क्या कह सकते हो इसको, ग्रेजुएटेड सिलेंडर बोल सकते हो, ठीक है। और ये हो गया इसका स्टैंड, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, इसका नाम ध्यान से समझना, लैब में काम आएगा आपके, ग्रेजुएटेड फ्लास्क या सिलेंड्रिकल फ्लास्क बोलते हैं, ठीक है, ग्रेजुएटेड सिलेंड्रिकल फ्लास्क। अब बच्चों ये ग्रेजुएटेड सिलेंड्रिकल जो फ्लास्क होता है इसका मतलब क्या है, देखो बच्चों फ्लास्क का मतलब हो गया कोई भी बर्तन, ठीक है, सिलेंड्रिकल का मतलब उसकी शेप कैसी है, सिलेंडर जैसी है, मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हो कि इस शेप को हम क्या बोलते हैं, सिलेंड्रिकल शेप बोलते हैं, तो ऐसी ही शेप है इसकी। उसके बाद ग्रेजुएटेड का मतलब क्या है बच्चों, कि इसके ऊपर रीडिंग्स लिखी होंगी, वैल्यूज लिखी होंगी, आप इसको साइड से देखोगे तो इसके सर्फेस पे यहाँ पे 10 फिर 20 30 इस टाइप से 100 ml तक जो है वो वैल्यूज इसके ऊपर आपको लिखी हुई मिलेंगी, ठीक है। तो बच्चों मैंने क्या किया, इस ग्रेजुएटेड फ्लास्क के अंदर मैंने वॉटर डाल दिया, तो वॉटर क्या होता है बच्चों, H2O, ठीक है, इस टाइप से मान लो एक ड्रॉप है वॉटर की, या मॉलिक्यूल्स मान लेते हैं वॉटर के हम, कि मान लो ये इस टाइप से वॉटर है मेरे पास, इसके अंदर H2O, यहां पर भी है सेम वे में, और ये मिलकर के क्या बना रहे हैं, पूरा का पूरा जो वेसल था उसको पानी से भर दिया इन्होंने इस टाइप से, ठीक है। आप जूम करके वॉटर को देखोगे इमेजिनेशन पावर से, तो आपको पानी के अंदर वॉटर मॉलिक्यूल्स दिखाई देंगे, ठीक है। तो इस टाइप से ये वेसल जो है मान लीजिए पानी से भरा हुआ है, इस टाइप से यहां क्या है, पानी है, और ये वॉटर के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। और ये रीडिंग मान लेते हैं हम कितनी है, 70 ml है इस पॉइंट पर। अब बच्चों मैंने क्या किया, मैंने बाहर से, ठीक है, आउटसाइड से इसके अंदर एड किया, क्या ऐड किया बच्चों, मैंने इसके अंदर सोल्ट ऐड किया, ठीक है। सोल्ट मींस क्या, NaCl सोडियम क्लोराइड, या तो किसी बच्चे को अगर शुगर पसंद है तो वो शुगर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सोल्ट या शुगर जो हम घर में यूज करते हैं वो हमने इसके अंदर ऐड कर दी। अब बच्चों देखो ये सोडियम क्लोराइड जो है ये क्या करेगा, ये सोडियम क्लोराइड जब इसके अंदर हम मिक्स करेंगे तो दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे। लेकिन आप एक चीज नोटिस करना कि पानी का जो अपर लेवल था, कि कहां पर था वॉटर का सरफेस, 70 ml तक, ये और ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि हमने सोल्ट ऐड किया है, तो ये तो 70 से नियर अबाउट मान लीजिए 71 हो जाना चाहिए, कुछ तो बढ़ना चाहिए भाई, बाहर से कोई चीज डाली है। जैसे आपने कोए की कहानी सुनी है कि कौआ जो है पानी के अंदर पत्थर डालता था तो पानी का लेवल ऊपर आ जाता था, लेकिन जब हमने नमक डाला तो पानी का लेवल ऊपर नहीं आता है, एज इट इज रहते हैं, तो ये नमक गया कहां पर। वही देखते हैं बच्चों कि ये जो वॉटर के पार्टिकल्स है, जो इसके मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, इनके बीच में आपको यहां पर स्पेस दिखाई दे रहा है खाली, ठीक है। इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, इंटर पार्टिकल स्पेस, क्या बोलेंगे, इंटर पार्टिकल स्पेस, या तो एक वर्ड में आप कहो तो इनको वॉइड बोल सकती हो, वॉइड्स, वॉइड्स का मतलब होता है खाली जगह। तो बच्चों जब हम NaCl इसके अंदर डालते हैं तो ये NaCl के जो पार्टिकल्स हैं वो इस स्पेस में आ जाते हैं, यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो NaCl हमने डाला वो इस स्पेस में आ गया, इस टाइप से आप मान लो, मैं इनको सर्कल से रिप्रेजेंट कर लेता हूं, ठीक है, ऐसे कंफ्यूजन नहीं होगी, कि मान लो ये नमक के पार्टिकल्स है तो इस टाइप से जो है ये सारे के सारे क्या किया इन्होंने, जो एम्प्टी स्पेस था उसको ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो वॉटर का लेवल है वो इंक्रीज नहीं हुआ। तो इस एक्सपेरिमेंट से बच्चों बेसिकली हमने क्या नोटिस किया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ऐसा ही बच्चों आपने देखा होगा जब आप नींबू पानी बनाते हो तो आप एक गिलास पानी के अंदर शुगर डालते हो, आप लेमन जूस डालते हो, कुछ लोग सोल्ट भी ऐड करते हैं, तो क्या आपने देखा कि पानी का लेवल बढ़ा हो, क्या नींबू पानी ज्यादा बना हो, क्योंकि आपने पानी के अलावा और भी चीजें डाली है, लेकिन नहीं बढ़ता है पानी, नींबू पानी ज्यादा नहीं बनता है। उसका रीजन क्या है, रीजन ये है बच्चों कि जो चीजें आपने बाहर से डाली है वो सारी की सारी वॉटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो खाली जगह होती है उनको ऑक्यूपाई कर लेती है।
तो होप सो बच्चों आपको पहली जो कैरेक्टरिस्टिक थी, पहली जो विशेषता थी वो समझ में आ गई होगी। अब हम सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड क्या थी बच्चों? कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग, कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूअसली मूव करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर continuously moving। चलिए बच्चों अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे मूव करते हैं। चलो देखो बच्चों, मान लो बच्चों मैं एक रूम का एग्जाम्पल लेता हूं, ठीक है। इस टाइप से मान लो मैंने एक रूम का एग्जाम्पल लिया, ये मान लो एक रूम है, ये हमने क्या मान लिया, एक रूम है, ठीक है बच्चों। अब रूम के अंदर आप सबको पता है क्या क्या होता है। रूम के अंदर बच्चों फोर वॉल्स होती है, ठीक है, चार दीवारें होती है, एक ऊपर छत होती है, एक नीचे फ्लोर होता है। तो ये हमने फ्लोर मान लिया कि ये फ्लोर है इस टाइप से। अब बच्चों इस रूम से मैं इस फ्लोर को साइड में बना देता हूं ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि ये क्या है, रूम का फ्लोर है इस टाइप से। ये ग्राउंड सरफेस आप बोल सकते हो, सरफेस ऑफ रूम, या फ्लोर भी बोल सकते हो, फर्श बोल सकते हो। अब बच्चों देखो यहां पर एक मैं कंडीशन लेता हूं कि मान लो मेरे पास एक अगरबत्ती है, ठीक है, इस टाइप से मैंने एक अगरबत्ती कंसीडर की है। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा बना देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो इस टाइप से बच्चों मान लो मैंने एक अगरबत्ती कंसीडर की है, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या होगा कि जैसे ही मैंने अगरबत्ती लगाई, लेकिन जलाया नहीं अभी तक इसको, और आपको इसकी जो स्मेल है वो देखनी है कैसी है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसके पास जाकर के इसकी स्मेल जो है वो देखनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसे तो आएगी नहीं। लेकिन बच्चों अब ये फर्स्ट स्टेप था, रूम लिया, रूम के अंदर अगरबत्ती जलाई और उसको स्मेल किया, लेकिन पास जाके करना पड़ेगा, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में बच्चों मैं क्या करता हूं, मैं इस अगरबत्ती को लाइट अप कर देता हूं, मतलब जला देता हूं, ठीक है। तो बच्चों जब मैं इस अगरबत्ती को जला दूंगा, मान लो यहां पर मेरे पास ये अगरबत्ती है इस टाइप से, और मैंने इसको लाइट अप कर दिया है, ठीक है, इसको मैंने जला दिया है। तो जलाने के बाद क्या होगा बच्चों, आप सिंपल सा नोटिस करना कि यहां पर जो टेम्परेचर था वो कम था, ठीक है। टेम्परेचर कम था तो जो पार्टिकल्स थे इस अगरबत्ती के, उनको एनर्जी नहीं मिल रही थी। एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो क्या करेंगे, बिल्कुल वाइब्रेट करेंगे, ज्यादा तेजी से मूव नहीं करेंगे। लेकिन जब हमने लाइट अप किया और टेम्परेचर को बढ़ा दिया, अब टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है। तो जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा बच्चों, तो ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, एनर्जी ले लेंगे, ठीक है। ये सभी के सभी पार्टिकल्स क्या करेंगे, एनर्जी, जो हीट एनर्जी हमने दी है उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, बाहर क्या है, एयर के पार्टिकल्स है, ये एयर हो गई, मान लो ये हमने एयर के पार्टिकल्स कंसीडर किए हैं। और अब आप जो है वो अगरबत्ती के पास नहीं हो, आप अगरबत्ती से काफी दूर हो, ठीक है। मान लो अगरबत्ती यहां है तो आप यहां हो। अब क्या होगा बच्चों कि जैसे ही हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, इन पार्टिकल्स ने, देखो ये वाले पार्टिकल ने एनर्जी ली और एनर्जी लेकर के भागना स्टार्ट कर दिया, ठीक है बच्चों। मान लो क्या होगा, एक गर्म तवा है, आप उसके ऊपर ऐसे हाथ रख दो, आपने मूवीज में देखा वो ऐसे हाथ रखते हैं और हाथ रखते ही सीधा ऊपर की तरफ कर लेते हैं, तो वैसा ही कुछ है, ठीक है। तो जैसे इस पार्टिकल ने एनर्जी ली, अब ये एनर्जी लेकर के एक्साइटेड हो गया और निकल गया बाहर, और कहां चला गया, एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो गया। उसके बाद सेकंड पार्टिकल था, उसने एनर्जी ली, वो भी एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो गया। थर्ड पार्टिकल था, उसने एनर्जी ली, वो भी एयर के पार्टिकल के साथ मिक्स हो गया। फोर्थ पार्टिकल था, उसने एनर्जी ली और वो भी एयर के पार्टिकल के साथ मिक्स हो गया, और कहां गया। अब देखो जैसे ही आप सांस अंदर लोगे, ये पार्टिकल्स भी क्योंकि एयर के साथ मिक्स हो चुके हैं, तो आपकी जो नोज है वहां तक जाएंगे, और नोज हेल्प करती है, नोज के अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं स्मेल करने में। तो आपको जो है अगरबत्ती की स्मेल दूर से भी आ जाएगी।
तो यहां से आपने क्या सीखा कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो कॉन्टिन्यूअसली मूव करते हैं, कब? व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर। देखो बच्चों, जब हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं होता क्या है वो समझिए कि यहां पर इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम थी। के का मतलब क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी। आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में कि दो तरह की एनर्जी होती है, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी और एक होती है काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है बच्चों वो एनर्जी जो पोजीशन की वजह से है, और काइनेटिक एनर्जी का मतलब वो एनर्जी जो मोशन की वजह से है। तो यहां पर बच्चों इनका मोशन ज्यादा नहीं था क्योंकि टेम्परेचर कम था, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी भी कम थी। जैसे ही हमने टेम्परेचर को बढ़ाया पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ गई, ठीक है? और काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की बढ़ गई तो वो क्या करेंगे, तेजी से मूव करना स्टार्ट कर देंगे, और इसी वजह से आप अगरबत्ती की स्मेल जो है वो महसूस कर पाते हैं। तो बच्चों ये सेकंड था। अब हम पढ़ेंगे इसकी थर्ड विशेषता। थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक थी वो अब हम देखते हैं बच्चों। थर्ड क्या था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव या अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब बच्चों कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है। लेकिन अलग अलग मैटर में तो ये फोर्स अलग अलग तरह का होगा। जैसे मैं कंसीडर कर लेता हूं कि मान लो बच्चों मेरे पास एक आयरन नेल है, तो इस टाइप से मैंने एक आयरन नेल जो है वो कंसीडर की है। ये क्या लिया मैंने? आयरन नेल, ठीक है। सेकंड बच्चों मैंने क्या कंसीडर किया? एक चोक। तो इस टाइप से मैंने एक चोक का पीस जो है वो कंसीडर किया है। और थर्ड बच्चों मैंने क्या लिया? मैंने लिया एक रबर बैंड। तो ये बच्चों मेरे पास क्या है? एक रबर बैंड। अब बच्चों आपने करना क्या है, ये तीनों मैटर है ना, तीनों स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तीनों का भार भी होगा, तीनों को हम सेंसेस से फील भी कर सकते हैं। तो मैटर है तो पार्टिकल से बने होंगे इस टाइप से, ये भी पार्टिकल से बना होगा, और यहां पर भी इसके अंदर भी क्या होंगे? पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। अब आपने देखना क्या है बच्चों कि सपोज कीजिए मेरे पास एक हैमर है, ठीक है, एक हैमर मेरे पास है, एक मेरे पास नाइफ है मान लीजिए, और एक सपोज कीजिए आपका कोई भी फ्रेंड है, ठीक है, ऐसे हमने मान लिया। अब बच्चों हैमर से अगर मैं इस नेल को बीट करता हूं तो क्या ये आयरन नेल, ये वाली आयरन नेल ब्रेक होगी? आप कहोगे सर ये तो नहीं होगी। क्यों नहीं हुई? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स, देखो इस एरिया को मैं जूम करता हूं थोड़ा सा, इस एरिया को, कि इसके जो पार्टिकल्स थे इनके बीच में बच्चों जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो काफी ज्यादा था। मतलब इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी ज्यादा है, पार्टिकल्स ने काफी मजबूती से एक दूसरे को पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा कि आयरन नेल ब्रेक नहीं होगी। चोक में देखो बच्चों, चोक के केस में क्या होगा कि इसके कंपैरिजन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होगा, इसी वजह से बच्चों क्या होगा, चोक ब्रेक हो जाएगा। जबकि रबर बैंड इजिली ब्रेक हो जाएगा क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और भी ज्यादा कम है, ठीक है। तो होपफुली बच्चों आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।